बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी। बच्चों देखो, सवाल यही किया गया था कि जो पाकिस्तान के दहशतगर्द एलिमेंट्स हैं, चाहे जहां भी हों, लंदन में जो बैठे हुए वो सारे भी, इनको आईएसआई खत्म क्यों नहीं कर सकती। उसका जवाब यह है कि आईएसआई हुकूमत नहीं होती, हुकूमत के तहत होती है। फौज अपनी मर्जी सिर्फ एक वक्त करती है, जब वो हुकूमत का तख्ता उलटती है, बस। बाकी सारे कामों पर इसको फौज की मर्जी, हुकूमत की मर्जी के मुताबिक चलना होता है। मिसाल के तौर पर यही ब्लैक वाटर वाली बात जो है, अगर इनको अमेरिका से पाकिस्तानी एम्बेसडर हुसैन अकानी वीजा इशू कर रहा है तो उसमें आर्मी आईएसआई कुछ भी नहीं कर सकती। अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट इंटीरियर मिनिस्ट्री उनको असलह के लाइसेंस इशू कर रही है तो उसमें आर्मी और आईएसआई का कोई रोल नहीं है। ये रिपोर्ट कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, हुकूमत को बता सकते हैं, आगे आर्मी चीफ को बता सकते हैं कि आगे ये सब कुछ हो रहा है। आईएसआई टेक्निकली प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करती है, प्राइम मिनिस्टर के कंट्रोल में होती है। इसीलिए अहम चीज ये है कि मुल्क के हुक्मरान साफ हों, ताकि जो नीचे इदारे काम कर रहे हैं उनको अपनी ड्यूटी, जब वो अपनी फराइज पूरी करते हैं। ये कभी नहीं हुआ कि मुल्क में होने वाले खतरात जो हैं इनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर ना की गई हो। होता सिर्फ यही है कि जब इन दहशतगर्दों को यानी फसादियों को छोड़ दिया जाता है, हुकूमत वक्त मसलहत के मुताबिक कॉम्प्रोमाइज कर लेती है, अलायंसेस बना लेती है, तो फिर आगे आने वाले वक्तों में मुल्क और कौम को नुकसान पहुंचता है। मिसाल हम आपको सिर्फ एक देते हैं कि 1967 में अगरतला साजिश पकड़ी गई थी, एक साजिश जो ईस्ट पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश थी, जो शेख मुजीबुर रहमान ने बनाई थी। पूरा जहाज गिराने का प्लान था उनका, अयूब खान का जहाज गिरा लेंगे इस पाकिस्तान में, बगावत कर देंगे। सारी साजिश पकड़ी गई, असला पकड़ा गया, लोग पकड़े गए, सारी इंफॉर्मेशन लाकर अयूब खान उन पर गद्दारी का मुकदमा चलाना चाहता था। लेकिन उस वक्त की तमाम सियासी जमातों ने तूफान बर्पा कर दिया कि जब तक इस गद्दार शेख मुजीबुर रहमान को छोड़कर इलेक्शन में जितवाया नहीं जाएगा, उस वक्त तक हम पाकिस्तानी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। तौबा अस्तगफार, इतना बड़ा जुल्म किया उन सियासी जमातों ने सिर्फ अयूब की मुखालफत में। 1967 में फांसी दे दी जाती मुजीबुर रहमान को, ईस्ट पाकिस्तान का भी टूट के लगना होता, पाला गया, कोसा गया, जवान किया गया, इलेक्शन में हिस्सा लिया गया। जाहिर है इलेक्शन में जीतना ही था उसने, जब वो जीता उसकी दहशतगर्दों के साथ इतनी बड़ी साजिश पकड़ी गई है, फिर उसको इलेक्शन में जितवाया, फिर कहते हैं उसको हुकूमत भी दे दो। तो ये होता है, ये गलतियां होती हैं जो सिस्टमैटिक गुफ होते हैं, एक दफा की गलती नहीं होती, पकड़ के सब कुछ दिया था। तो इंशाल्लाह फिक्र ना करो, ठीक हो जाएगा आने वाले वक्तों में। अब हम आखिरी सवाल की तरफ आते हैं जिसका ताल्लुक मेरी जात से है। बहुत सारे लोगों के सवाल हैं कि वो एग्जाम, ये कहा जा रहा है कि साहब आप पर ये इल्जाम है कि आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत्म नबूवत पे यकीन नहीं रखते, किसी यूसुफ कज़ाब नामी नबी के साथ, फॉल्स प्रॉफिट के साथ वाबस्ता रहे हैं, आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा बहुत ज्यादा है, उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। मेरे बच्चों, पहला सिंपल आंसर और शॉर्ट आंसर, हमारी गुफ्तगू, हमारा पैगाम, हमारा मिशन इश्क रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि कोई इश्क रसूल का पैगाम दे और खुद गुस्ताख रसूल हो। इकबाल कहते हैं कोई शिकवा भेजा भी करे तो लाजिम है शऊर। अल्लाह के फजल और करम से अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी का मरकज, हमारे इश्क और जुनून का मंबा, हमारी सारी जिंदगी आपके प्यार और आपके इश्क में और आपके दीन के दिफा में खर्च हुई है। मैं 22 साल का आपकी उम्र का था जब हम अफगानिस्तान गए, अल्हम्दुलिल्लाह। उस वक्त हमें कौन भेज रहा था, कौन हमारी हिफाजत कर रहा था, हम किस लिए गए थे वहां पे अपनी, मैं उस वक्त एनडी यूनिवर्सिटी कराची में था, योर एजेस जब आप लोग माशाल्लाह, यही मैं देखता हूं तो मुझे अपना माजी याद आता है। आई एम ऑल्सो एन इंजीनियर बाय द वे। और उस वक्त 6 साल सोवियत फौजों के खिलाफ लड़ते हुए हमारी जिंदगी का मकसद यह था कि अल्लाह के रसूल का परचम बुलंद रखा जाए, पाकिस्तान का दिफा किया जाए। फिर उसके बाद जो कुछ आज हम कर रहे हैं, पाकिस्तान के बदतरीन दुश्मनों को, नापाक तरीन लोगों को, जिनके सामने बात करते हुए लोगों की जान निकलती है, सिर्फ इकबाल के उस शेर के ऊपर, हजार खौफ हों लेकिन ज़बां हो दिल की रफीक, अजल से रहा है ये कलंदरों का तरीक। हम वो अजान दे रहे हैं कि अल्लाह इस आम उम्मत की आबरू की हिफाजत करे, इस पाकिस्तान की हिफाजत करे। अल्हम्दुलिल्लाह ना तो हम कादियानी हैं, ना हम खत्म नबूवत के मामले में कोई कंफ्यूज हैं, ना कभी किसी ऐसे शख्स से वाबस्ता रहे जिसने नबूवत का दावा किया है, ना कभी किसी ऐसे शख्स के साथ इंशाल्लाह, बल्कि ये सारे गुस्ताख हमारे हाथों मारे जाने के लिए हैं, इसलिए नहीं कि हम इनके साथ वाबस्ता हों अल्लाह के फजल से। लिहाजा इस मामले में कंफ्यूज ना होइए। यहां तक इस बात का ताल्लुक है कुफर के फतवे का, तो ये तो अल्लामा इकबाल पर भी लगाए गए थे, कायद आजम को भी काफिर आजम कहा गया था। हम सवाल ये करते हैं लोगों से कि हमने 200-250 प्रोग्राम कर दिए हैं, 2 साल हो गए, हजारों यूनिवर्सिटीज में हम जा चुके हैं, हमारी कौन सी बात ऐसी है कि जिस पर आप हमें काफिर कहते हैं। इस मामले में मेरे बच्चों बहुत मोहतात रहो। जैसे बात हमने आपसे कही है कि कुफर का सबसे बड़ा हथियार डिसइंफॉर्मेशन, झूठ, लाइज और प्रोपेगेंडा है। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े सख्त मयार कायम किए हैं, फरमाया कि एक शख्स के झूठा होने के लिए ये बात काफी है कि सुनी सुनाई बात बगैर तहकीक के आगे बयान करते। तो बी वेरी केयरफुल कि कहीं अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान मुबारक में कहीं झूठे ना हो जाओ। दूसरी बात कि जो किसी मुसलमान को काफिर कहता है और वो मुसलमान हो,
तो ये फतवा, ये इल्जाम फतवा लगाने वाले पर लौट कर वापस जाता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ के मुताबिक। आप अगर मुसलमानों में देखिए, ये बदनसीबी है हमारी कि कोई मसलक हमारा ऐसा नहीं है जिसने दूसरे मसलक को काफिर होने के फतवे ना दिए हों, बदनसीबी है उम्मत की। और जाहिर है जब कायदे आजम और अल्लामा इकबाल को इन्होंने काफिर कहा तो उसका मकसद भी उनका यही था कि ये दोनों दाढ़ी मुंडे, दोनों यूरोप और अमेरिका से पढ़कर आए, दोनों किसी मदरसे की ग्रेजुएट नहीं है, ये कब से आके दीन सिखाने लगे, ये सूट वूट पहनते हैं, टाई लगाते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, काफिर ही होंगे। तो मेरे बच्चों, इस मामले में बहुत मोहतात रहना, किसी मुसलमान को काफिर कहना या ये सारी डिसइंफॉर्मेशन, ये सारा झूठ जो लोग फैला रहे हैं उनको अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन जवाब हम लोग हमसे कहते हैं कि आप मीडिया पे आके उनको एक्सपोज क्यों नहीं कर देते, या अभी हम उनका नाम क्यों नहीं ले लेते। उसकी वजह सिर्फ यह है कि इस वक्त वो जो हमारे लिए ट्रैप सेट कर रहे हैं कि हम अपने असल मिशन से हटकर एक फिरकावराना फसाद में फंस जाएं, हम उसको अवॉइड कर रहे हैं। इस वक्त वक्त आने पर उनका सारों का जवाब दिया जाएगा। इस वक्त हम ये कहते हैं कि जिसको एतराज हो या किसी को मजीद कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, हम सामने हैं, हमारे पास आइए, हमारे दफ्तर में बैठिए। आज तक सैकड़ों बच्चे हमारे पास आके क्लैरिफिकेशन ले चुके हैं, देख चुके हैं, मामलात को समझ चुके हैं कि असल इश्यूज क्या। फिर खुद कहते हैं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं कि आप इस बात को पब्लिक में एक्सपोज नहीं कर रहे, क्योंकि उससे ज्यादा फसाद फैलेगा, खैर नहीं फैलेगी। क्योंकि जो मुसलमान एक दूसरे के ऊपर नाउज़ुबिल्लाह कुफर के फतवे लगाते हैं, ये बदनसीबी है इस उम्मत की। हर मसलक ने एक दूसरे पर कुफर के फतवे लगाए हुए हैं। और जहां तक हमारा ताल्लुक है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इंशाअल्लाह हम सादत की जिंदगी अल्लाह के हुक्म से जीते भी आए हैं और इंशाअल्लाह जिएंगे, और जब हमारा अंजाम होगा इंशाअल्लाह तो अल्लाह रसूल की मोहब्बत में पाकिस्तान के दिफा में शहादत की मौत भी होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह आप लोगों का हामी और नासिर हो, अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो, अल्लाह आप पे अपनी रहमत और बरकत नाज़िल फरमाए, आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जिए, उनके इश्क में आपकी जिंदगी गुजरे, उसी में आपका इंतकाल हो, और दो जहानों में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुरबत नसीब करे, ग़ज़वा हिंद का शरीक हों। इस पाकिस्तान की जो चांददार तकदीर अल्लाह ने लिख दी है, अल्लाह ताला आप उसका अपना जरिया बनाए, वसीला बनाए। मुबारक हो आपको, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। प्लीज बैठ जाइए, थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए। बहुत शुक्रिया सर फैज अहमद साहब। हमारे पास अल्फाज नहीं है कि हम सर का शुक्रिया अदा कर सकें कि वो अपनी मसरूफियात से वक्त निकाल कर यहाँ तक आए और हमको उनसे सीखने के लिए इतना कुछ मिला। हम आइंदा भी सर को जहमत देते रहेंगे कि वो आएँ और हमें मजीद